जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कचरा आज कई देशों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। रोज शहरों से निकलने वाले कचरे को एक डंपिंग ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। दिल्ली में ऐसे कई कचरे के पहाड़ आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे और ऐसा ही हाल मेरठ का भी है। लेकिन मेरठ नगर निगम ने कचरे से निजात पाने के लिए और इससे निपटने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। अगर इस प्लान को सही समय और सही तरीके से अमली जामा पहनाकर शुरू कर दिया जाता है तो यहाँ वो वाली कहावत बिल्कुल सही बैठ जाएगी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। मेरठ में इस समय कई कचरे के ढेर हैं, जो कि आय का एक बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। नगर निगम की तरफ से वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 4 गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 30 करोड़ की लागत लगेगी। इनकी क्षमता करीब 150 टन है। इन गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कचरे से खाद बनाने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ जो खाद बनेगी उस खाद को निःशुल्क किसानों को दी जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन प्लांट से कुल 24 करोड़ की सालाना आय जनरेट की जाएगी। नगर निगम ने आय बढ़ाने को लेकर 2021-22 का जो रोड मैप तैयार किया है उसमें कचरे को आय के बड़े स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। इसके एवज में केंद्र सरकार 1500 रुपए प्रति टन की दर से प्रतिपूर्ति नगर निगम को देगी। अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नगर निगम जल्द लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले घरों से गीला और सूखा कचरा निकालकर लोहा, पत्थर, बड़ी सामग्री, कचरे से रैग पिकर्स को अलग किया जाएगा। फिर कचरे को बैलिस्टिक सेपरेटर में डालकर दुर्गंध रहित कंपोस्ट बनाया जाएगा। इसमें से निकलने वाला पत्थर और रोड़ी को लैंडफिल के कामों में डाल दिए जाएंगे और बचे हुए आरडीएफ को ईंधन, गैस और बिजली के कामों में उपयोग किया जाएगा और बाकी का कंपोस्ट खाद के रूप में किसानों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि यह प्लान काफी रिसर्च के बाद बनाया जा रहा है और ये काफी कामयाब और कारगर लग रहा है। अब देखना ये होगा कि इससे सरकार और आम आदमी को कितना फायदा होता है, इस योजना के तहत कितनी संख्या में कचरों के निस्तारण में मदद मिलेगी, खुले में सड़ रहे कचरे के ढेर से कितनी निजात मिलती है और साथ ही प्रदूषण से बचने और पर्यावरण को कितना फायदा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।